वेलकम क्विक लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, जहां हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स, कुछ एग्जांपल्स और उसके टाइप्स के बारे में बातें करेंगे। अगर आपने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की वीडियो मिस कर दी है तो आप ऊपर दिए हुए बटन पे क्लिक करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन विद व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, द एस यू टी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट। सो इफ दिस इज अ सॉफ्टवेयर जो अंडर टेस्ट है, इसको हमें टेस्ट करना है तो इसको हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह कंसिडर करेंगे। ब्लैक बॉक्स कैसा होता है कि आप उसके अंदर देख नहीं सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो आपको आपके कोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होगा, आपको इंटरनल पार्ट्स नहीं पता होंगे, आपको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा। आपका काम क्या होगा, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स पास करना और उस इनपुट्स को आउटपुट्स, उन इनपुट्स के आउटपुट्स को रिसीव करके उन आउटपुट्स को एक्सपेक्टेड आउटकम से मैच करना। अगर आप जो चाहते थे वही आउटपुट आया है देन इट इज वेल टेस्टेड, अदरवाइज कुछ एरर्स है या कुछ फ्लॉज है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें इस एसयूटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, विच इज टेस्ट विद इनपुट एंड आउटपुट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं, मिसिंग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, आपने कैलकुलेटर बनाया और आप दो नंबर्स को ऐड करके देखेंगे, 2 + 2 इज योर इनपुट। आप आउटपुट में आंसर चाहते हैं 4, बट आंसर आपको या तो नहीं मिल रहा है या 6 मिल रहा है या 10 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन मिसिंग है, यानी एडिशन का फंक्शन मिसिंग है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मिसिंग फंक्शन। दूसरी इज यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, कि आपने कोई एक लॉगिन का स्ट्रक्चर बनाया और आप लॉगिन करके देख रहे हैं पर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यूजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग इसमें टेस्ट कर पाते हैं। देन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, कि आपका कोई फंक्शन विद इन 1 मिनट ऑपरेट करना चाहिए था बट इट इज टेकिंग 2 मिनट्स या ज्यादा समय ले रहा है, तो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है, उनको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कंकरेंसी एंड टाइमिंग, एक बार में दो से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और आपके सॉफ्टवेयर का टाइम डिग्रेड हो रहा है या टाइमिंग एरर्स आ रही हैं, तो उनको भी हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर, सॉफ्टवेयर के खुलते ही कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर हो रही है या फिर सॉफ्टवेयर बंद होते ही कोई एरर्स आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट करवा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ब्लैक बॉक्स में टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का कहना है कि जब भी आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक यूनिवर्स ऑफ इनपुट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नंबर्स को ऐड करके देखना है तो 2 + 2, 2 + 3, 2 + 4, देयर आर मिलियन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो 2 के साथ ऐड होना चाह सकते हैं, बट मैं सबको तो टेस्ट करके देख नहीं सकती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने टेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, एक तरह से ग्रुपिंग कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, पार्टीशन करके छोटे छोटे ग्रुप्स में फॉर्म कर दूंगी और उन ग्रुप्स में से 1 या 2 नंबर्स को टेस्ट करके देख लूंगी। जो 1-2 नंबर्स का रिजल्ट आ रहा होगा, मैं ऐसा एज्यूम करूंगी कि बाकी उस ग्रुप के सारे मेंबर्स का भी वही रिजल्ट आना चाहिए या उसी तरह का रिजल्ट आना चाहिए। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इस तरह का एक आइडिया फॉलो करता है। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको कुछ रेंज एक्सेप्ट करनी है बिटवीन 1 to 20, तो आपका वैलिड सेट क्या होगा, 1 से लेकर 20 और इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 20, तो ये आपका वैलिड इक्विवेलेशन क्लास पार्टीशनिंग होगा, ठीक है। बट इनवैलिड क्या होगा, 1 से कम जितने भी नंबर होंगे वो इनवैलिड होंगे या 20 से ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे इनवैलिड होंगे। डेसिमल नंबर्स, अल्फाबेट, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये सारे जो हैं ये इनवैलिड नंबर्स होंगे या इनवैलिड इनपुट कहलाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग सिस्टम, ठीक है। सो दिस वॉज अ टेक्निक। सेकेंड टेक्निक इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यूज में क्या होता है कि एक आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी और वहाँ पे बीच में कुछ नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, आपको उनको टेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली आप जो नंबर्स बाउंड्री के अंदर है उनको तो आप टेस्ट करेंगे ही, बट फेंस पर बैठे हुए कुछ नंबर्स को भी आपको टेस्ट करना अलाउ करा जाएगा, तो वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने कोई ऑफर निकाला है बिटवीन 18 to 30 एज के लोगों के लिए, तो वैलिड सेट क्या होगा, 18 to 30 तो होगा ही होगा, बट जो लोग जस्ट 17 and half हैं, 17 हैं, जो जस्ट 18 होने वाले हैं उनको भी मैं वैलिड मानूंगी, या जो 30 होके जस्ट गुजरे हैं, जस्ट 31 हुए हैं, उनको भी मैं वैलिड मानूंगी। तो ये वैलिड सेट के अंदर आ जाता है जो बाउंड्री की वैल्यूज को भी इंक्लूड कर लेता है, बट 16 के बिलो और 32 के अबव जितने भी लोग होंगे दैट विल बी इनवैलिड सेट, तो इनवैलिड सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिसीजन टेबल टेस्टिंग।
अब इस तरह की टेस्टिंग में क्या होता है, हम कॉज एंड इफेक्ट का एक मेजर लेते हैं और उसके बेसिस पे ग्रिड स्ट्रक्चर या एक टेबुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉर्म करते हैं और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम अपनी टेस्टिंग के केस या टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, बट सबके लिए सारी स्कीम्स नहीं होती हैं। तो कुछ माइनर्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए, या फिर अबव 18 के लिए, या कुछ रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, तो हर किसी ग्रुप के अलग अलग प्लान्स या अलग अलग ऑफर्स वो लोग निकाल के लाते हैं, तो उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट ग्रुप आप उसके कॉज इफेक्ट को मेजर करेंगे और उनके लिए वही एप्लीकेशन इम्प्लाई करेंगे। तो दिस इज डिसीजन टेबल टेस्टिंग टेक्निक। देन नेक्स्ट इज स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। स्टेट ट्रांजिशन आप जानते हो, जैसे कि पानी को बॉइल किया वो वेपर्स बन गए, या फिर फ्रीज किया तो आइस बन गया, तो एक अलग अलग स्टेट में आपका पानी जाता रहता है। तो ऐसे में क्या है, आप अलग अलग स्टेट में उस चीज़ों को टेस्ट करेंगे कि लॉगिन अगर आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक लॉगिन का स्ट्रक्चर बनाया और लॉगिन अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला है तो उसकी स्टेट अवेलेबल से अवेलेबल ही रहती है, स्टेट सेम रही, ठीक है, अगर या फिर नॉन अवेलेबल से अवेलेबल हो गई, ठीक। बट अगर आपने एक बार लॉगिन डाला और आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत हो गया, आपने दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स आपको वो सर्विस को अनअवेलेबल करा देगा, क्योंकि वो आप पे शक कर रहा है कि ये लेजिटिमेट यूजर नहीं है। तो उस केस में आपकी स्टेट अवेलेबल से लॉग स्टेट हो गई, बट आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन विंडो ही रहा, लॉगिन विंडो चेंज नहीं हुआ, आपका स्टेट चेंज हो गया लॉगिन विंडो का, जब अवेलेबल था तो वो कैसे काम कर रहा था और लॉग स्टेट में है तो वो कैसे काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये टेक्निक को भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज एरर गेसिंग मेथड। एरर गेसिंग का मतलब क्या है, अब आप अपनी तरफ से कोशिश करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक वास्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो, या आपने पहले भी उसी तरह की टेस्टिंग कंडक्ट करा रखी हो। तो ऐसे लोग चेक हिट एंड ट्राई कर लेते हैं या गेस कर लेते हैं कि मोस्टली इसी सेगमेंट में एरर आई होगी, उसको टेस्ट करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं और सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो दिस इज एरर गेसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। देन अब एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर टेस्टिंग फंक्शंस को टेस्ट करने का बहुत बेस्ट ऑप्शन है। टेस्ट केसेस कैन बी क्रिएटेड फास्ट। अगर आप टेस्ट केसेस बना रहे हैं फॉर वाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो उससे बहुत फास्ट आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेस्ट केसेस बन जाते हैं। हेल्प्स इन ईजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन ईजिली चल जाए इसके लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का होना बहुत नेसेसरी है। आपको कोई प्रीवियस प्रोग्रामिंग नॉलेज, कोई कोडिंग नॉलेज नेसेसरी जरूरी नहीं है। इट कैन ऑल्सो टेस्ट अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको सेम प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है, आप बस उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। टेस्टिंग को आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग या फिर कोई भी टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, इसलिए आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। एंड एक एंड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है और इट इज़ अ अनबायस्ड टेस्टिंग। तो कोडर के लिए इट कुड बी बायस्ड टेस्टिंग, बट टेस्टर जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं वो अनबायस्ड टेस्टिंग कहलाई जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, जैसे कि इफ द नंबर ऑफ टेस्ट इनपुट्स इज मोर देन इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर टेस्ट केसेस ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली हो जाएगा। अचीविंग नो रिजल्ट इज अ पॉसिबिलिटी। आपने इनपुट दिया बट आपको आंसर नहीं मिला, जैसे कि मेरा पहला एग्जाम्पल था कि आपने 2+2 डाला, बट जरूरी नहीं है कि आपको 4 मिले 5 मिले, आपको कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। द होल सॉफ्टवेयर इज नॉट टेस्टेड एट अ गिवन टाइम, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना इज टाइम कंज्यूमिंग। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग टेस्ट करवा पाते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। कैन नॉट बी यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। बड़े सॉफ्टवेयर, लार्ज सॉफ्टवेयर में हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कंडक्ट नहीं कराते हैं। एंड डिजाइनिंग टेस्ट केसेज इज क्वाइट चैलेंजिंग। टेस्ट केसेज को डिजाइन करना इज ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स बोथ, ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ये 3 तरह की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारे पास होती है और इन तीनों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में हम एक एक करके समझेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।